बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, लाइट्स, जो कि टोटल नेचर से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। इसके साथ साथ मैं आपको अहम चीज ये बताता हूँ कि कभी आपने आसमान पर देखा है डिफरेंट कलर्स की, आपको एक कर्व नजर आती है 7 डिफरेंट कलर्स में, वो कैसे आती है ना। और आपने देखा होगा कि जब पानी के अंदर कोई चीजें होती हैं, कोई चीज नजर आ रही होती है, तो वो थोड़ी बहुत हमें कर्व टाइप में नजर आ रही होती है, टेढ़ी नजर आ रही होती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि थोड़ी बेंड हो जाती है। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि ऑरेंज कलर हमें कैसे नजर आता है, ग्रीन कलर हमें कैसे नजर आता है, रेड कलर हमें कैसे नजर आता है, ये सारी चीजें भी आपने पढ़ी, आप अब पढ़ने वाले। इसके साथ साथ आपने कभी ये सोचा है कि लाइट किस तरह से मूव करती है? जिस तरह से आप मूव करते हैं, तो समटाइम आप स्ट्रेट मूव कर रहे होते हो, समटाइम आप राउंड में मूव कर रहे होते हो। या आपने देखा होगा कि जब हमारे घरों पर पानी आता है, तो वो एक पर्टिकुलर एक चीज में आ रहा होता है, यानी कि पाइप की सूरत में आ रहा होता है, है ना। और जब हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो भी वायर्स की सूरत में आ रही होती है, जिसको हम यूज करते हैं। इसी तरह ये जो भी टॉपिक्स मैंने आज आपको बताए, आप ये सब टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और आपको भी मालूम है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइट। लाइट कितने कलर्स की होती है, कहां से आती है, बनी का कैसे है, ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस लेक्चर के अंदर और इस लेसन नंबर 1 के अंदर, लेसन 2, लेसन 3 एंड सो ऑन, जितने भी लेसन होंगे आप उनके अंदर सुनेंगे। लाइट बेसिकली किस तरह से वर्क करती है, और किस तरह से हमें चीजें नजर आती हैं, और किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होती है, आइए आज हम इसके अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो लाइट है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इट कम्स फ्रॉम सन, जो कि सन की तरफ से हमारे पास आती है, या हम डिफरेंट सोर्सेज की तरफ से भी आपको मिल सकती है। आप जब किसी चीज को बर्न करते हैं, यानी कि किसी कैंडल को बर्न करें, या आप किसी बल्ब को ऑन करें, या कोई हीट या लाइट, इस तरह की कोई भी चीज होगी, तो वो आपको क्या देगी? लाइट देगी। वी कैन सी द मून एट नाइट। आपने मून को देखा होगा रात के अंदर। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, उसके पास खुद की लाइट नहीं है। इट शाइन्स बिकॉज सन लाइट फॉल्स ऑन इट। सन लाइट क्या पड़ती है? एक मून के ऊपर सारी की सारी सनलाइट कहां पे पड़ती है? मून पर पड़ती है, और उसकी वजह से आपको वो मून नजर आ रहा होता है। इट शाइन बिकॉज सन लाइट फॉल्स ऑन इट। सम ऑफ द सन लाइट बाउंसेस ऑफ द मून एंड रीचेस द अर्थ, और वहां से कुछ लाइटें क्या हो रही होती है? मून पर पड़ रही होती है, और मून की वजह से वो हम अर्थ पर वो चीजें देख रहे होते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, अंधेरा हो, रात हो, और मैं एक कोई भी शख्स एक या दूर जगह पर कोई लाइट बर्न हो रही हो, लाइट जल रही होती है, तो हम फौरन देखकर पहचान जाते हैं, हाँ लाइट बर्न हो रही है, और उसके साथ एक पाकिस्तान का फ्लैग है। यानी कि हम बहुत दूर थे, पर उस जगह पर क्या थी? लाइट थी, और वो जो लाइट थी वो एक सेवर की लाइट थी, जिसकी वजह से हमें वो फ्लैग भी नजर आ रहा था। उस कलर, यानी कि जो सेवर का कलर था, आया कि वो व्हाइट था, ग्रीन था, रेड था, जो भी था वो भी नजर आ रहा है, और उसके साथ में हमें वो चीज भी। इसी तरह जब सन की लाइट मून पर पड़ती है, तो मून हमें यहां से नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो सारी की सारी लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट करता है। द बाउंसेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब आपकी किसी शाइनी ऑब्जेक्ट से क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसा कि आप यहां पे ये देख सकते हैं कि ये शाइनी सरफेस है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कोई लोहे का पीस है या कोई प्लेन सरफेस है,
अब यहाँ पर जैसी लाइट पड़ रही है तो लाइट क्या हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट हो रही है और इसी फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है, जब इस 45 के एंगल से आती है और इस 45 के एंगल से वापस चली जाती है। तो ये बेसिकली क्या होती है, लाइट रेस थी जो कि यहां से आई और यहां से चली गई, और ये जो सरफेस था ये आपके पास क्या था, शाइनी सरफेस था। ये जो आना हुआ और चला जाना हुआ ये बेसिकली प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। जो लाइट आ रही थी, जो रेज आ रही थी, अब वो क्या हो चुकी है, रिफ्लेक्ट हो चुकी है। ये जो रिफ्लेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव सी आर लाइक द मून। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं एज ए मून, दे डू नॉट गिव ऑफ देयर ओन लाइट। उनके पास खुद के पास उनकी लाइट नहीं होती। लाइट फ्रॉम द सन, अ लैम्प और सम अदर शाइनिंग थिंग्स फॉल ऑन देम, देन वी कैन सी देम, दे रिफ्लेक्ट द लाइट इन टू अवर आईज। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप कोई चीज नजर आ रही होती है तो वो आपको तब तक नजर नहीं आ रही आएगी जब तक वो चीज रिफ्लेक्ट ना होकर आपकी आईज में आए। यानी कि जब आप ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाता है कि कोई भी चीज आपको तब नजर आती है जब आपकी आईज में से कुछ रेज जाए, उस ऑब्जेक्ट पर पड़े और रेज टकरा कर वापस आ जाए। क्या हो जाए, रेज टकरा कर वापस आ जाए, जो कि यहां पर इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये प्रोसेस वहां पर भी क्रिएट हो। तो मुझे बताएं कि जब अंधेरा हो, सामने अंधेरा ही अंधेरा है, जब आपकी लाइट तो आईज में से जा रही है बट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही। रिफ्लेक्ट होकर वापसी क्यों नहीं आई, क्योंकि वो शाइनी सरफेस था ही नहीं और आपको कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। ड्यू टू लाइट, लाइट की वजह से आपको, लाइट नहीं थी इस वजह से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा था, यानी कि क्योंकि उसके ऊपर रोशनी पड़ ही नहीं रही थी और आपकी आईज को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करता हूं, लाइट ऑन कर देता हूं कमरे की और अब मुझे सारी चीजें नजर आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उन चीजों के ऊपर क्या पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है। अब मैं जैसे ही किसी चीज को देखूंगा तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर आएगी, और जब रिफ्लेक्ट होकर आती है तो हम उसको इजीली देख सकते हैं। दे रिफ्लेक्ट द लाइट इन टू अवर आईज, और वो जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी वो हमारी आईज में आएगी। द रिफ्लेक्टेड लाइट टेल्स अस द साइज, कलर्स एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी सी। जी हाँ, वो जो रिफ्लेक्शन होती है वही हमें बताती है बेसिकली वो चीज क्या है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, आया कि वो छोटा है, बड़ा है, व्हाटएवर, जो भी चीजें होती हैं वो आपको तभी नजर आती हैं जब आपके पास वो जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आती है और फिर आपकी आईज उस चीज को देखती है। जी हाँ, जब वो आपकी आईज उस चीज को देखती है तो आप उसको वाज़ह तौर पर देख सकते हैं आया कि वो क्या चीज है। आइए, एक और अहम चीज है जो कि आपके पास इस टॉपिक के अंदर है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, मैं आपको ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि आप घर पर भी कर सकते हैं। ये आपको दिखाने का रीजन सिर्फ यही है कि आप कोशिश करें इसको घर पर देखें और इसे फायदा भी उठाएं और आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या नहीं करती है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि लाइट किस तरह से स्ट्रेट लाइन में कवर करती है। मेक्स लाइट इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, स्टीम इट ऑन अ टेबल, शाइनी अ टॉर्च बिहाइंड द कार, व्हाट डू यू सी। आइए इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट कार्ड्स मौजूद हैं और कार्ड्स के नीचे एक आपके पास सरफेस मौजूद है, यानी आप टेबल फॉर्म कह सकते हो, और इनके अंदर आपने बारीक बारीक कुछ होल्स किए हैं। अब जैसे ही हम यहां से लाइट यहां पर हिट करेंगे टॉर्च से, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी लाइट होगी यहां पर रुक जाएगी, क्योंकि आगे कोई मटेरियल आ गया है। जिस तरह से अभी हमने वीडियो के अंदर देखा, जब हम हैंड को आगे ले आते हैं तो सारी रोशनी हैंड पर पड़ती है, बाकी रिफ्लेक्ट में क्या होता है, शेडो नजर आ रहा होता है, क्योंकि वहां से लाइट की रोशनी नहीं हुई है। तो बेसिकली सारी लाइट कहां पे पड़ेगी, इस फेस पे पड़ेगी और सिर्फ इस होल में से लाइट क्रॉस होगी।
जब इस होल में से लाइट क्रॉस होगी तो ये होल इस जगह पर पड़ेगी लाइट, और ये होल उससे थोड़ा साइज छोटा होगा, तो ये यहाँ से कुछ लाइट रोक लेगा और बाकी जो लाइट होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि रेज बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट आपको नजर आएंगी, जिस तरह के आज से आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल आपको इस तरह से कुछ लाइट नजर आएंगी जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव होती है। लाजमी ही नहीं है कि हम टॉर्च ही की मदद से लें, बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में होती है या नहीं। तो आपने यहाँ पर एक कैंडल को जलाया और यहाँ से आपने देखा कि ये भी आपके पास बॉक्स था, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आप इसी होल में से देख सकते थे। तो आपने, आपके सामने दूसरा होल नजर आया और फिर तीसरा होल नजर आया, आपने लाइट को देखा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसी तरह जब अगर आप अंधेरा हो और अंधेरे के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करें, और यहाँ पर अगर कोई शीट रखें या वहां पर सामने कोई वॉल हो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइट होगी, जो कैंडल की लाइट होगी, वो बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट लाइन में इस तरफ रोशनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कैंडल के लिए बिल्कुल स्पेस खाली है। बट यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आपके पास कैंडल की लाइट नजर आएगी और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको नजर आएगा कि कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था जो कि हमने लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा। और अब हमारा जो टॉपिक था, एक होती है रिफ्लेक्शन, जो कि आपके पास मैंने अभी बताया बाउंस बैक हो जाए, जो रेज आपकी क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी ऑब्जेक्ट, जब किसी शाइनी ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट वापस बैक हो जाए, वापसी मूव हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिस तरह से आपने उस फिगर के अंदर भी देखा कि कुछ रेज आ रही थी और सरफेस पे पड़ने के बाद वापस मूव हो रही थी 45 के एंगल से, या जिस एंगल से वो आ रही होती है उसी एंगल से मूव हो जाती है। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिफ्रेक्शन, REFRACTION, रिफ्रेक्शन। लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट, एक अहम चीज तो ये थी कि when we turn on a lamp or bulb, the room becomes bright at once। आपको पता है कि लाइट बहुत स्पीड के साथ मूव होती है, जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है। अगर हम पूरे घर की भी लाइट एक ही टाइम में ऑन करें तो आपके पूरे घर में रोशनी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर सबके कनेक्शन एक ही जगह पे होते हैं, जिसको हम पावर स्टेशन कहते हैं, ग्रिड स्टेशन कहते हैं, और वहां से जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं तो आपने देखा है कि पूरा शहर जगमगा उठता है और पूरे शहर में रोशनी हो जाती है। लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट, लाइट बहुत स्पीड से मूव करती है, जैसा कि आपने इस एग्जांपल में भी पढ़ा। इट कैन ट्रेवल फ्रॉम द मून टू द अर्थ इज लेस देन अ सेकेंड। सबसे अहम चीज कि मून से लेकर जब अर्थ तक लाइट पहुंचती है तो उसमें एक सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, जब आपके पास मून से अर्थ तक कोई लाइट पहुंचती है तो उसमें एक सेकंड से भी कम टाइम लगता है, और यहां से मून तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड के साथ लाइट ट्रेवल करती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 300,000 किलोमीटर वो कवर कर सकती है विद इन वन सेकेंड। आइए सबसे अहम चीज, जिसको हम डिटेल में जब आप क्लास 4 में आएंगे, 5 में आएंगे, तो आप इसको मजीद डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि लाइट बेसिकली कितनी स्पीड के साथ मूव होती है, कहां कहां पर जाती है, कितनी स्पीड में होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, वो सारी चीजें आप आगे वाली क्लास में। लाइट इन स्ट्रेट लाइंस कॉल रेज, लाइट जो स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, जिस तरह से अभी आपने इस वीडियो के अंदर देखा, ये जो है ये बेसिकली आपके पास क्या कहला रही होती है, रेज। वेन रेज ऑफ लाइट पास थ्रू वाटर और ग्लास, जब वो किसी रेज आपकी वाटर में से या ग्लास में से जाती हैं, दे बेंट, वो क्या हो जाती है, बेंट। यहां पे देख सकते हैं आप, ये आप घर के अंदर भी एक्सपेरिमेंट, आपके पास पेंसिल भी होगी, ग्लास भी होगा, आप उसके अंदर जब पानी डालेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा। जब आप उसको देखेंगे तो ये थोड़ी सी आपको बेंट नजर आएगी, ऐसा लगेगा ये जैसे टूटी हुई है, जोड़ी हुई है, एक पेंसिल यहां पर, आधी पेंसिल यहां पर शो होगी और आधी यहां पर, बेसिकली ये बेंट हो जाता है। जब भी उसका मटेरियल चेंज होता है
यानी कि उसका मटेरियल पहले क्या था, स्पेस था, एयर थी, और एयर के बाद वो किस में आ गया, वाटर में। दो मीडियम, एक वाटर, एक मीडियम कौन सा है यहाँ पर, स्पेस एयर है, और दूसरा मीडियम यहाँ पे क्या है, वाटर है। देयर आर टू डिफरेंट मीडियम। जब दो डिफरेंट मटेरियल के अंदर एक ही चीज पड़ी हुई होगी तो आप देख सकते हैं कि वो जो चीज है वो आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यानी कि वहां पर बेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेंड आ जाएगा। इस बेंड को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं हम इस बेंड को, रिफ्रैक्शन। अगेन मैं रिपीट करता चलूं, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड रेज। जो स्ट्रेट लाइन में जो चीजें जाती हैं, जो रेज जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेज। व्हेन रेज ऑफ लाइट पास थ्रू वाटर और ग्लास, जब ये रेज वाटर या ग्लास में से क्रॉस होती है, द बेंड, वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये जो बेंड हो रही है लाइट, ये जिस तरह से ये बेंड हुआ पड़ा है प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल डियर एजुकेशन।